और अब बड़ी खबर नाइजीरिया से, जहां बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है। बाढ़ की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जिससे हजारों यात्री फंस गए। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई मकान ध्वस्त हो गए, तो खेतों में बड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। तो बाढ़ और बारिश की वजह से हर जगह से बर्बादी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। नाइजीरिया की तस्वीरें देखिए, जहां पर बाढ़ से तबाही हुई, सड़कें बंद होने से यात्री जो हैं वो किस तरीके से फंस गए। जहां पर आप नजर डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। पानी में कई मकान डूब चुके हैं। पानी में डूबे मकान, गलियों में चलती नाव, ये तस्वीरें सामने आई नाइजीरिया के कोगी स्टेट से। नाइजीरिया इन दिनों बाढ़ की बड़ी त्रासदी झेल रहा है। बाढ़ की मार की वजह से हजारों मकान पानी में डूब गए। वहीं मुख्य सड़क टूट जाने की वजह से सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए। कई ट्रक रास्ते में फंसे नजर आए। बारिश और बाढ़ की वजह से हालात ऐसे बने कि सड़कों पर नाव चलने लगी। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की रास्ता बंद होने की वजह से कई ट्रक करीब 6 दिन तक रास्ते में फंसे रहे। वहीं दूसरी तरफ घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इन सभी लोगों को एक स्कूल में रखा गया है। राहत कैंप से लोगों के खाना बनाते, आराम करते और बच्चों के खेलने की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन की तरफ से लोगों को मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। नाइजीरिया में बाढ़ की वजह से इस साल अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एयरफोर्स डे में वायुसेना के गरुड़ दस्ते ने अपना दमखम दिखाया। जवानों ने महज 10 मिनट में एक जिप्सी को पूरी तरीके